रोडी सीजन 20 डबल क्रॉस, अब होगा धोखे पे धोखा, आ रहा है बहुत ही जल्द। इस साल के रोडीज में बहुत से धोखे तो देखने को मिलेंगे ही, पर साथ में होगा बहुत सा ड्रामा विद फुल ऑफ सरप्राइजेस। पिछले दो सालों से जब से रणविजय रोडी से निकले हैं और रियल लाइफ हीरो सोनू सूद ने ज्वाइन किया है, शो का इतना क्रेज नहीं रहा और टीआरपी भी बहुत ही ज्यादा गिर गई है। इसलिए इस साल मेकर्स ने कुछ ओजी गैंग लीडर्स को तो कुछ इंटरेस्टिंग नए चेहरों को लिया है ऐसे गैंग लीडर। तो चलो मिलकर जानते हैं इस साल के सभी गैंग लीडर्स के बारे में विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। रणविजय सिंघा। रणविजय को पिछले दो सालों में रोडीज के सभी फैंस, इवन पिछले दो सालों के कंटेस्टेंट्स ने कुछ ज्यादा ही मिस किया। उनके बिना रोडीज रोडीज नहीं लग रहा था, जैसे सलमान खान के बिना बिग बॉस में वो वाइब नहीं आती। रणविजय ने 2003 में रोडीज के सबसे पहले सीजन को जीता था, जिसके बाद से ही रोडीज के सीजन 2 से लेकर सीजन 17 तक रणविजय शो का पार्ट थे, कभी गैंग लीडर के रूप में तो कभी होस्ट के रूप में। और अब दो सालों के ब्रेक के बाद द ओजी रोडी रणविजय आ रहे हैं वापस एज ए होस्ट, और अब जाकर फाइनली हम सब ऑडियंस को आएगा मजा फिर से। रिया चक्रवर्ती। रिया ने पिछले साल ही पहली बार रोडीज को ज्वाइन किया था एज ए गैंग लीडर, और वो अपने पहले ही सीजन को जीत गई, क्योंकि रोडीज 19 के विनर थे वाशु जैन, जो रिया की गैंग से थी। रिया इस सीजन में पहली बार रणविजय के साथ काम करने वाली हैं। रिया 32 साल की हैं और एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। रिया ने अपने बॉलीवुड करियर में काफी कम मूवीज की हैं, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड में छोटा सा रोल, सोनाली केबल, मेरे डैड की मारुति और जलेबी। लेकिन अब वो गैंग लीडर के अपने इस नए रूप को काफी एंजॉय कर रही है। देखो अब पिछले साल की विनर गैंग में इस साल कौन कौन जाता है। रिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो कुछ वक्त से इंडियाज यंगेस्ट बिलियनियर एंड को फाउंडर ऑफ जीरोदा निखिल कामत को डेट कर रही हैं। एल्विस यादव। बिग बॉस ओटीटी 2 में एज ए वाइल्ड कार्ड आने के बाद भी एल्विस ने उस सीजन को जीत कर एक हिस्ट्री बना दी थी, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए टेम्पटेशन आइलैंड में भी नजर आए और अब एक और रियलिटी शो करने आ रहे हैं एल्विस यादव एज ए गैंग लीडर के रूप में रोडीज के सीजन 20 में। सोशल मीडिया और यूट्यूब का सुपर पॉपुलर चेहरा एल्विस का ये रोडीज का सीजन भले ही सबसे पहला सीजन हो, लेकिन इनका फैन बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि बाकी गैंग लीडर्स जो पहले से इस शो का हिस्सा रह चुके हैं उन्हें एल्विस काफी स्ट्रांग टक्कर दे सकते हैं, और कंटेस्टेंट्स इनके गैंग में आने के लिए काफी एक्साइटेड दिखने वाले हैं। नेहा धूपिया। ऐसा रोडीज के इतिहास में पहली बार होगा कि एक साथ एक ही सीजन में दो फीमेल गैंग लीडर्स हों। रोडीज 20 में दो मेल और दो फीमेल गैंग लीडर्स होने वाले हैं, और नेहा दूसरी फीमेल गैंग लीडर है। नेहा रोडीज के 2016 से 2021 तक 5 सीजन्स में गैंग लीडर रह चुकी हैं, जिसमें से दो बार इनकी गैंग जीती भी थी, और लोगों ने इनको 5 सभी सीजन्स में बहुत ही ज्यादा प्यार भी दिया। नेहा ने साल 2000 में जापानीज मूवी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो 24 सालों से नॉन स्टॉप 50 से ज्यादा मूवीज कर चुकी हैं। नेहा और उनके हस्बैंड अंगद बेदी के दो बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। प्रिंस नरूला। प्रिंस नरूला जो बहुत ही जल्द पापा बनने वाले हैं विद हर वाइफ यूबिका चौधरी, भी होंगे इस साल के वन ऑफ द गैंग लीडर। प्रिंस ने 2015 में रोडीज X2 को जीता था, और उसी साल वो स्पिट्सविला और बिग बॉस के भी विनर बने थे, जिसके बाद इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि उन्हें अगले ही साल से यानी कि 2016 से रोडीज का गैंग लीडर बना दिया गया, और अब प्रिंस के पास 6 सीजन्स का एज ए गैंग लीडर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा प्रिंस ने अपने करियर में एक्टिंग और सिंगिंग दोनों ही ट्राई की है, और आजकल उनका मेन फोकस खुद की गाई हुई और खुद की फीचर्ड म्यूजिक वीडियोस पर है। देखो अब प्रिंस को लेकर कंटेस्टेंट्स कितने एक्साइटेड नजर आते हैं ऑडिशंस में। कौन होगा इस साल आपका फेवरेट गैंग लीडर, जिसकी गैंग में आप जाना चाहोगे अगर आपको मौका मिला तो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और रियलिटी शोज की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आपकी अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ या अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।